हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो मित्र रमेश और सोहन रहते थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिससे वह फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन खेतों में मेहनत करता, लेकिन रमेश कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों ने बाजार ले जाकर फसल को बेच दिया, जिससे उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने रमेश से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर रमेश बोला, नहीं नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमारी फसल अच्छी हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरी चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय लूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रमेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया। रमेश वैसे की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने रमेश को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। रमेश ने कहा, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावलों से कंकड़ अलग हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने रमेश को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद रमेश भी सोहन की तरह ही खेत में मेहनत करने लगा, और इस बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए,